अलवर के थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज मोबाइल चोर खरीदार और बेचान वाले को गिरफ्तार किया है। शहर में मोबाइल चोरों की वारदात लगातार बढ़ती जा रही थी। अलवर के थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोबाइल चोर और बेचने वाले को भी गिरफ्तार किया है। शहर में बढ़ती मोबाइल चोरों की वारदात मद्देनजर रखते हुए एसपी साहब के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए आज अलवर गेट थाना पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जो मोबाइल चुरा कर बेचने और खरीदने का काम करते थे। दिनांक 13 जुलाई को परिवादी रोहित कुमार, जो रॉयल बेकर्स पर काम करता है, उसने रिपोर्ट पेश की कि मेरा फ़ोन हमेशा की तरह ही काउंटर पर पड़ा रहता है, जो अचानक गायब हो गया। जिसको मैंने सीसीटीवी कैमरे में चेक किया तो मुझे एक संजू नाम के व्यक्ति पर शंका हुई, या उसको देखा मैंने, जिसकी मैंने तलाश करी एक दिन के लिए, तो मालूम पड़ा कि विनोद बाहर खड़ा था और वो मेरा फ़ोन उठाकर गया। कुछ दिन बाद मालूम चला, दूसरे दिन मालूम पड़ा कि एक कुणाल नाम के लड़के को पहचान कर दिया है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर तीनों आदमियों को तलब किया गया, तीनों आरोपियों से पूछताछ की, गिरफ्तारी कर ली है, आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। कौन कौन है ये तीनों और कहाँ के रहने वाले हैं? तीनों आरोपी, एक तो संजू है जो जलकारी नगर का रहने वाला है, विनोद है जो जादूगर का है, कुणाल भी जादूगर का है। तो ये क्या तीनों दोस्त हैं? ये तीनों आपस में दोस्त, एक दूसरे को जानते भी हैं, एक साथ ही काम करते हैं। इनके पहले मुकदमा नहीं है, पहले मुकदमे हैं। ठीक है, आपका नाम? एएसआई शंकरलाल, अलवर गेट थाना अजमेर।